आर्यन, सॉरी हरमन को मैं आर्यन के नाम से जानती हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ, एक्सट्रीमली एक्सटैटिक कि ये आर्यन के, मैं आर्यन ही बुलाऊंगी अर्थ तो चलेगा, को बहुत सालों से जानती हूँ और उसके ये दिस वॉज इन हिज एट द बैक ऑफ हिज माइंड. वो हमेशा चाहता था कि ही वॉन्टेड अ प्रोडक्शन हाउस ऑफ हिज ओन एंड फाइनली इट्स हियर. सो आई एम वेरी हैप्पी, गॉड ब्लेस हिम. थैंक यू सो मच. एंड उसकी प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ ही इज लॉन्च्ड अ फैंटास्टिक सॉन्ग व्हिच इज काइंड ऑफ फुट टैपिंग एंड हैज अ लॉट ऑफ रिकॉल. रैप है छोटे बस कर. आर्यन कैसा है उसका? इट्स लाइक 1, 2, 3, 4. इट्स गॉट अ ग्रेट हुक स्टेप ऑल्सो एंड बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा गाना. And I really congratulate Harman. Thank you. And lots of wish, best wishes. And he has a long way to go. बहुत मेहनत करनी है और बहुत आगे जाना है. Yes. इसके पहले कहीं ना आपसे कोई संपर्क किया, आपने कोई इन्फ्लुएंस किया? Of course, influence. जैसे मैंने पहले बोला, she has been a constant mentor. I think जो step मैं लेता हूँ first, हमारी बॉलीवुड दीवा से ही पूछता हूँ. आर्यन मुझे दीदी बुलाता है, दीदी बुला सकता है. तो आई कॉल हर दीदी. सो आई थिंक शी हैज मोर एक्सपीरियंस, शी हैज वर्क्ड एंड कुछ पहला स्टेप लेने से आई ऑलवेज आस्क हर. सो शी यस, इन्फ्लुएंस हमेशा मे पे रहा है ईशा दीदी. एक्चुअली आर्यन को मैं बचपन से जानती हूँ. ही मेरे शूट्स बोलिए आप या आप किसी भी मेरे इवेंट्स को लेके बोलिए, आर्यन वॉज ऑलवेज देयर विथ मी. सो पहले से ही हमारे फिल्म इंडस्ट्री, हमारे क्रिएटिव इंडस्ट्री का शौक था और वो खुद ही बहुत क्रिएटिव है. सो ही इज़ वेरी गुड विथ इवेंट्स, ही इज़ वेरी गुड विथ प्लानिंग, इज़ वेरी गुड विथ मैनेजमेंट, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ जस्ट अ गुड किड. सो आई थिंक ही हैज़ फाउंड हिज कॉलिंग. यस, फाइनली. Finally. Yeah. After a wait of I think 7 years. Haan. Or now he is really working hard and I'm sure, I mean, sky is the limit. Aur main janti hu mera acha bachcha hai. Ye bahut tarakki karega and that's it. Yes. Thank you. Thank you. Jaise अपना कोई जिगरा है, अपने दिल का टुकड़ा है, अपना बच्चा, जब कोई कुछ करता है तो कैसे लगता है? बस बिल्कुल वैसे ही लगा. तो और क्योंकि मैं आर्यन को, हरमन को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं उसके पैशंस को भी समझती हूँ, उसको क्या करना है लाइफ में वो भी समझती हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, इससे ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ. एंड ही ऑलवेज हैज़ माई सपोर्ट एंड माई ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच. हमने लॉकडाउन के टाइम एक फिल्म स्टार्ट की थी, साउथ की फिल्म, और जैसे आप सब लोगों को पता है आजकल साउथ इज रियली रॉकिंग. वेल बहुत ओवरड्यू था ये, वेल डिजर्व, क्योंकि मैंने मेरे साउथ का करियर तो मतलब मैंने शुरुआत ही साउथ से की थी. मैंने कुछ मैंने फिल्म फिल्मफेयर अवार्ड्स भी, स्क्रीन अवार्ड, सब स्टारडस्ट अवार्ड, ये अवार्ड सब वहीं से मतलब साउथ में ही मिले थे. बट नाउ द वे इट्स रिकग्नाइज्ड, आई एम वेरी हैप्पी कि एट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस इस तरीके से वो साउथ की फिल्में रिकग्नाइज हो रही हैं, इस तरीके का उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑस्कर्स में भी चले गए, फैंटास्टिक. तो साउथ में भी ऐसा है कि मेरी एक फिल्म आ रही है एलियन. एलियन अभी इट्स अ मल्टीलिंगुअल, 5 लैंग्वेजेस में है, तेलुगु, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा. सो उसमें शिव कार्तिकेयन, राकुल प्रीत, मैं और शरद केलकर हैं एंड इट्स डायरेक्टेड बाय रवि कुमार सर. तो ये हमने 2020 के लॉकडाउन में शुरुआत की थी शूटिंग करने की और बहुत प्रॉब्लम्स हुए हमको बिकॉज ऑफ द पैंडमिक. तो हमने बहुत फेजेस में शूट किया एंड फाइनली द पीपल हु आर डूइंग द पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ एवेटर, वो ही इसका पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे थे. आई थिंक दिस ईयर एंड अर्ली नेक्स्ट ईयर में आना चाहिए, कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. इसके साथ साथ एक दो वेब शोज़ हैं जिसके नरेशंस चल रहे हैं. मैं बहुत सिलेक्टिव हो गई हूँ लाइफ में, ऐसे मतलब काम करने के लिए काम नहीं करना है, इट शुड काइंड ऑफ टिकल माई रिब्स, समझ में आना चाहिए कुछ तभी, वरना अदरवाइज आई हैव अ हैंडफुल ऑफ थिंग्स दैट आई एम डूइंग.
सो बस नथिंग एज दैट थैंक यू बोलो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ HSS प्रोडक्शंस के लिए हैं और हम छोटे बस का गाने के लॉन्च के लिए हैं जो कबीर ने गाया है और हरमन ने जिसको डायरेक्ट किया है तो आप प्लीज़ जाइए ये गाना देखिए ये गाना सुनिए आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कीप द लव गोइंग आपका प्यार है इसीलिए हम यहाँ हैं दैट्स ऑल थैंक यू Yeah.